देवभूमि उत्तराखंड के देहरादून के विकास नगर तहसील का गांव छरबा, जहां आज जोहर की भूमि पर बनाई गई एक मजार पर आखिरकार धामी सरकार की जेसीबी चल ही गई। तहसील प्रशासन के साथ पुलिस बल की मौजूदगी में उक्त अवैध मजार को जेसीबी की मदद से पूरी तरह से ध्वस्त कर ग्राम समाज की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करा दिया है। उपजिलाधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देश पर सरकारी भूमि पर बने अवैध अतिक्रमण को हटाने की मुहिम चलाई जा रही है, जिसकी शुरुआत आज तहसील विकास नगर के ग्राम सभा छरबा से की गई। वहीं उन्होंने कहा कि तहसील विकास नगर में 25 अवैध मजारे बनी हुई है, जिनको चिन्हित किया गया है, जिसमें से राजस्व विभाग और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में 2 मजारों को ध्वस्त किया गया। देहरादून से संवाददाता प्रमिता सारंग की रिपोर्ट। आज यहाँ पर कार्रवाई हुई है, क्या है पूरा मामला? अभी जो सरकारी जमीनों में जो धार्मिक संरचनाओं का अनाधिकृत रूप से जो निर्माण किया गया था, उसको ध्वस्तीकरण, उसको चिन्हीकरण करके ध्वस्तीकरण का कार्य किए जाने के निर्देश प्राप्त हुए थे। उसी के क्रम में आज जो विकास नगर तहसील के अंतर्गत छरबा ग्राम सभा है, यहाँ से शुरुआत की गई है। और जो तहसील के अंतर्गत अन्य जो संरचनाएँ अनाधिकृत जो धार्मिक संरचनाओं का निर्माण किया गया है, उनका चिन्हीकरण किया गया है, तो कार्रवाई आगे जारी है। और कितनी मजारे हैं जो चिन्हित की गई हैं? अभी हमारे पास जो करीब 20 से 25 की एक लिस्ट हमारे पास है, जिसको हमने वेरीफाई किया है, और उसके आधार पे आज जो कार्रवाई चल रही है, ये कार्रवाई आगे जारी है। तो सर अब तक कितनी ध्वस्त की गई है? अभी ये दूसरी धार्मिक संरचना का यहाँ पे ध्वस्तीकरण किया गया है और आगे ही जारी है।